हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से एजी एजुकेशन चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेवा सहायिका के लिए जो है सभी पंचायत एवं ब्लॉक में जो है ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं। तो आप लोग कैसे चेक करेंगे कि आपके पंचायत में जो है कितने कितने सीट खाली हैं, और जो है आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कहाँ से करेंगे और उसका पूरा प्रोसेस क्या है, पूरी डिटेल से हम इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं। तो आप लोग मेरे साथ अंत तक बने रहिए, और अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारी नई वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को पूरी डिटेल से बताते हैं कि आप लोग कैसे चेक करेंगे कि आपके वार्ड के आंगनबाड़ी में कितने सीट हैं और जो है आप लोग इसके लिए कहां से अप्लाई करेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोगों को इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के लिए मैं ये लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहां से आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ पाएंगे। तो सबसे पहले इस वेबसाइट पे आने के बाद आप लोग अपना जो है पंचायत का डिटेल्स देखेंगे कि आपके ब्लॉक और पंचायत में जो है कितने सीट जो है अभी खाली है। तो सबसे पहले आप लोगों को वैकेंसी डिटेल्स पे क्लिक करना है। जैसे आप लोग इस पे क्लिक करेंगे, कुछ इस प्रकार से आप लोगों के सामने ये ओपन होके आ जाएगा। तो आप लोग जो है यहाँ से अपना पोस्ट, डिस्ट्रिक्ट, कौन से पोस्ट का आप जो है देखना चाहते हैं, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और जो है पंचायत, यहाँ से सिलेक्ट करके जैसे व्यू पे क्लिक करेंगे आप लोगों को यहाँ पे जो है शो हो जाएगा कि आपके पंचायत में जो है कितने सीट अभी जो है सेवा सहायिका पोस्ट के लिए खाली है और उस पे जो है आप आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, अगर आप जो है इसके लिए जो ऑनलाइन कैसे कहां से करेंगे, तो आप लोग जैसा कि नीचे में देख पा रहे हैं कि क्लिक हेयर टू ऑनलाइन अप्लाई, तो आप लोग जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार से जो है आप लोगों के सामने ये ओपन होके आ जाएगा। तो अगर आप लोगों ने अभी तक जो है रजिस्ट्रेशन कर रखा है सेवा सहायिका पोस्ट के लिए, तो आप लोग जो है डायरेक्ट यहां से लॉगिन कर लेंगे यूजर आईडी पासवर्ड देके। और अगर आप जो है अभी तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं किए, तो सबसे पहले आप लोग नया पंजीकरण पे क्लिक कर लेंगे। जैसे आप लोग क्लिक करेंगे, यहां से आप लोग अपना जो है पोस्ट सेलेक्ट कर लेंगे सेवा या सहायिका पोस्ट के लिए। उसके बाद आवेदक का नाम, पति का नाम, जन्म तिथि, दिव्यांग, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं डिटेल्स में, लिंक यहां से आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे, श्रेणी सेलेक्ट, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, जिले का नाम जो है आप लोग प्रखंड का नाम दे देंगे, पंचायत, और आप अपना वार्ड नंबर जो है चुन लेंगे, आंगनबाड़ी केंद्र संख्या चुन लेंगे। उसके बाद आप लोग यहां पे जो है आप लोग अपना जो है पासवर्ड जो है आप लोग बना लेंगे यहां पे, और उसके बाद जो है यही पासवर्ड को यहां पे आप लोग री एंटर कर देंगे। उसके बाद जो है नीचे में, जैसा कि आप लोग ये कैप्चा देख रहे हैं, इस कैप्चा को जो आप लोगों को इस नीचे वाले बॉक्स में क्लिक करना है। इस बार नीचे वाले बॉक्स में जैसे ही आप लोग कैप्चा फिलअप कर देंगे और सारी डिटेल्स को एक बार चेक कर लेंगे, चेक करने के बाद आप लोग जो है पंजीकृत पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही इस पे पंजीकृत पे क्लिक करेंगे, ये डिटेल्स जो है आप लोगों के सामने जो है ओपन होके दूसरा जो है आप लोगों के सामने इंटरफेस ओपन हो जाएगा लॉग इन आईडी का, और आपके मोबाइल नंबर पे जो लॉग इन आईडी और पासवर्ड जो है दे दिया जाएगा, और यहाँ पे भी आप लोगों को लॉग इन आईडी और पासवर्ड शो हो जाएगा, उसे आप लोगों को नोट कर लेना है। और जो है उसके बाद जो है आप लोग जैसे ही आप लोग जो है यहाँ पे जो देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लॉगिन का जो ऑप्शन दिया, तो इसमें आप अपना यूजर आईडी पासवर्ड देके कैप्चा देके आप लोग जो है लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद जो है क्या डिटेल्स इसमें देना पड़ेगा आप लोगों को, हम अपना डिटेल्स आप लोगों को फिल करके दिखलाते हैं। के बाद आप लोग जो है पंजीकृत पे जैसे ही क्लिक करेंगे, कुछ इस प्रकार से आप लोगों का जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है हो जाएगा। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और जो है आप लोगों का पासवर्ड जो है यूजर आईडी पासवर्ड दे दिया गया है, तो आप लोग इसे जो है कहीं नोट कर लेंगे। उसके बाद जो है आप लोग क्लिक हेयर टू कंटिन्यू पे क्लिक करके जो है यहाँ पे आप लोग जो है जैसे क्लिक हेयर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, कुछ इस प्रकार से आप लोगों को लॉगिन का पेज मिल जाएगा। तो आप लोग जो है सिंपली यहाँ से यूजर आईडी पासवर्ड देके कैप्चा फिलअप करके जो आप लोग लॉगिन हो जाएंगे। तो हम अपना यूजर आईडी और पासवर्ड देके आप लोगों को लॉगिन करके दिखलाते हैं और आगे का प्रोसेस समझाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने अपना यूजर आईडी और पासवर्ड यहां पे जो है एंटर कर दिया है। तो कुछ इस प्रकार से आप लोग भी अपना यूजर आईडी और पासवर्ड एंटर करने के बाद कैप्चा फिलअप कर दीजिएगा। उसके बाद जो है इस लॉगिन पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप लोग लॉगिन पे क्लिक कीजिए, कुछ इस प्रकार से आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो है मोबाइल नंबर शो हो गया है। उसके बाद जो आप लोगों को बोल रहा है कि जनरेट ओटीपी फॉर मोबाइल, तो आप लोग इस पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों के मोबाइल नंबर पे जो है ओटीपी दिया जाएगा। उस ओटीपी को जो आप लोग यहाँ पे जो है आप लोग सबमिट कर देंगे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे जो बता दिया गया इंटर ओटीपी सेंड ऑन रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर, तो कुछ इस प्रकार से मेरा जो ओटीपी आ गया मेरे मोबाइल नंबर पे, आपके भी नंबर पे चला जाएगा। तो आप लोग नीचे में यहाँ पे जो है फिलअप कर दीजिएगा। उसके बाद जो आप लोगों को वेरीफाई कर देना है।
तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप लोग जो है मोबाइल नंबर पे ओटीपी जो गया ओटीपी देके वेरीफाई कीजिए, कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आप लोगों के सामने ओपन होके आ जाएगा और आप लोग देख पा रहे हैं कि मौलिक जानकारी के सामने ये ग्रीन टिक लग चुका है। उसके बाद आप लोगों को व्यक्तिगत विवरण पे क्लिक करना है। जैसे आप लोग क्लिक करेंगे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि आप लोगों का सारा डिटेल्स जो है यहाँ पे मांगा जा रहा है। आप लोग अपना एड्रेस जो है फिलअप कर देंगे, एड्रेस फिलअप करने के बाद पिन कोड, उसके बाद जो है आप लोग नीचे में देख रहे हैं जो भी आप लोगों से जो है पहचान पत्र का जो है सीरियल नंबर से मांगा जा रहा है, तो आप लोग डिटेल्स फिल कर देंगे। फिल करने के बाद जो आप लोग यहाँ पे सेव करके जो है नेक्स्ट कर देंगे। जैसे आप लोग सेव करके नेक्स्ट करेंगे उसके बाद जो आप लोगों के शैक्षणिक व्यक्तिगत विवरण के सामने भी ग्रीन टिक लग जाएगा। उसके बाद आप लोगों को शैक्षणिक योग्यता पे क्लिक करके जो उसको भी डिटेल्स फिल कर देगा कि आप लोगों का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। तो अच्छे से आप लोग एक एक डिटेल्स को फिल करेंगे, कहीं भी मिस्टेक नहीं करेंगे। उसके बाद आप लोग फोटो हस्ताक्षर अपना जो है दे दीजिएगा। अगर जो है आप लोगों का साइज नहीं बने तो आप लोग अच्छे से जो है देख लीजिएगा कितना केबी का मांगता है, उतना केबी का आप लोग जो है फोटो अपलोड करेंगे। उसके बाद आप लोग आवेदन पत्र को अंतिम रूप देने से पहले जो है आप लोग एक बार पूरी तरह से अपनी डिटेल्स को चेक कर लेंगे कि आप लोगों का कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। अगर मिस्टेक है तो उसे आप ठीक कर लेंगे। उसके बाद ही आप लोग जो है फाइनल सबमिट, आप लोगों को ऑप्शन मिलेगा फाइनल सबमिट करने का, तो आप लोग उस पर जो है क्लिक कीजिएगा तो आप लोगों के सामने जो ऑनलाइन आवेदन का जो है रिसीविंग आप लोगों को दे दिया जाएगा, उसे आप लोग जो है प्रिंट कर सकते हैं। तो दोस्तों यही जानकारी हमें आप लोगों को देनी थी। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और जो है अगर आपको कहीं भी फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमें जो है कमेंट कर सकते हैं। और आप लोग अगर जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे ग्रुप का लिंक दिया गया, वहां से आप लोग ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं जिससे कि आप लोग हमें पर्सनली मैसेज कर पाएंगे। तो दोस्तों यही जानकारी हमें इस वीडियो में आप लोगों को देनी थी। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।